सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर डेली टेक्नोलॉजी एंड स्मार्टफोन वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रचित और आप सबका स्वागत है YouTube के और एक फ्रेश एपिसोड में। और काफी लोगों ने मुझे पूछा था कमेंट सेक्शन में कि ये फ्लिपकार्ट पे बायबैक वैल्यू ये कैसे काम करती है, उसको हम लोग कैसे क्लेम कर सकते हैं और ये क्या चीज होती है। तो आज इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना, और आपका कोई भी सवाल या सुझाव रहेगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, अभी फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे चालू है और काफी सारे फोन्स पे ऑफर भी है, बायबैक वैल्यू का ऑफर भी है। और मैं एक एग्जांपल लेता हूँ LG G7 Plus का, जिसमें 36,000 का बायबैक वैल्यू उन्होंने दे दिया है। ऑलमोस्ट 90% बायबैक वैल्यू है, क्योंकि उसको ओरिजिनल प्राइस है 40,000 रुपीज, और उसमें से भी आपको 4,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा और 36,000 उसकी बायबैक वैल्यू हो जाती है। तो अभी काफी लोगों ने पूछा है कि ये बायबैक वैल्यू कैसे काम करती है। बायबैक वैल्यू एक्चुअली उन्होंने फ्लिपकार्ट ने टर्म्स एंड कंडीशन में ही दी गई होती है कि 6 to 8 months आपको इतना पैसा मिलेगा और फिर 9 months से लेकर 12 months आपको इतना इतना अमाउंट मिलेगा अगर आप नए फोन को परचेस करते हो। तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको जब भी आप नया फोन अपग्रेड करोगे तो उसके साथ एक्सचेंज करोगे तो वो जो अमाउंट है वो आपके साथ डिडक्ट हो जाएगी। और उसमें एक चीज ऐसी है कि जब भी आप बायबैक वैल्यू को अप्लाई करते हो तो उस पर्टिकुलर बायबैक वैल्यू से ज्यादा ही आपको फोन खरीदना है। मानो 36,000 आपका बायबैक वैल्यू है तो आपको 36,000 के ऊपर का ही फोन परचेस करना है। उसके अगर नीचे वाले प्राइस का अगर आप फोन परचेस करते हो तो बायबैक वैल्यू आपके लिए अप्लाई नहीं होती है। तो मेक श्योर अगर आप बायबैक वैल्यू ले रहे हो 36,000 का, तो आपको आने वाले फ्यूचर में 36,000 के ऊपर वाला प्राइस वाला जो भी फोन रहेगा उसके लिए ही ये बायबैक वैल्यू अप्लाई हो जाएगी। अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि मैंने जब पिक्सल 2 XL के लिए बायबैक वैल्यू को बाय किया था तो अभी वो कैसे काम करती है। तो दोस्तों, ये फ्लिपकार्ट का ऐप है और मैंने ये LG G7 का पेज ओपन किया है जिसमें ये बायबैक वैल्यू दे दिया है और इसका नेट प्राइस 40,000 है और जो बायबैक वैल्यू है वो 36,000 है। जैसे कि आप देख सकते हो 90% बायबैक वैल्यू व्हेन यू अपग्रेड टू अ न्यू फोन। अब ये बायबैक वैल्यू कैसे काम करती है वो भी हम लोग देखते हैं। इसमें हमको जाना है LG G7 Plus में, मैं जाता हूँ कोई भी एक फ़ोन को सिलेक्ट करता हूँ और इसमें आप देखोगे 199 आपको एक्स्ट्रा पे करना है ये फ़ोन खरीदोगे तो उसके साथ ही, तभी आपको ये बायबैक वैल्यू मिलेगी। लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि जब आप 6 to 8 months उसको एक्सचेंज करोगे तो ही आपको 36,000 मिलेंगे। आप देख सकते हो एक्सचेंज विद इन 6 to 8 months, मतलब 6 महीने से पहले आप एक्सचेंज नहीं कर सकते और 6 महीने के बाद ही आपको करना है, वो भी 8 महीने से पहले करना है, मतलब 6, 7, 8, ये 3 महीने में आपको करना है तो आपको इस फ़ोन के 36,000 एक्सचेंज मिलेगा वैल्यू। मतलब आप कोई भी अगर नया फ़ोन लेते हो, मानो आप 6 महीने के बाद गैलेक्सी S10 अगर मार्केट में आता है फ्लिपकार्ट पे, अगर आप उसके साथ एक्सचेंज करते हो तो आपको 36,000 स्ट्रेट अवे डिडक्ट हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे और आपको जो रेस्ट अमाउंट है वो पे करना है। अगर आप 8 महीने के बाद अगर एक्सचेंज करते हो 9 to 12 months तो आपको सिर्फ 10,000 रुपये एक्सचेंज में मिल जाएंगे। अभी ये जो बायबैक गारंटी है वो किसी भी कोई भी फ़ोन के साथ आप एक्सचेंज कर सकते हो, लेकिन हर एक कोई ब्रांड ऐसी बायबैक गारंटी नहीं देता। अभी ये LG का है, अभी मैं Realme 2 Pro का एक एग्जांपल ले लेता हूँ। Realme 2 Pro एक कोई भी फ़ोन ले लेते हैं और इसमें जो बायबैक गारंटी है उसमें आप देख सकते हो अगर आप सिर्फ Realme फ़ोन के साथ ही एक्सचेंज करते हो तो ही आपको 11,200 बायबैक वैल्यू मिलेगी 6 to 8 months में, और अगर आप दूसरे किसी और ब्रांड के साथ एक्सचेंज करते हो तो आपको सिर्फ 8,000 रुपये बायबैक वैल्यू मिलेगी। तो जब भी आप कोई भी बायबैक वैल्यू को प्लान लेते हो तो आप ये टर्म्स एंड कंडीशंस को देख लो कि आप किसी भी फ़ोन के साथ एक्सचेंज करोगे तो ही आपको मिलेगी या फिर सिर्फ वही ब्रांड को आप एक्सचेंज करोगे तो ही मिलेगी। मेरे ख्याल से गूगल पिक्सल का भी बायबैक वैल्यू ऐसा ही है कि अगर आप गूगल पिक्सल के साथ ही एक्सचेंज करोगे तो ही आपको वो पर्टिकुलर बायबैक वैल्यू मिलेगी। अभी उसको क्लेम कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने ऑलरेडी पिक्सल 2 XL के लिए बायबैक वैल्यू लिया था। अभी लेट से मैं S9 Plus मुझे अभी ख़रीदना है और ठीक है, अभी जब भी आपकी बायबैक वैल्यू ऑटोमेटिकली फ्लिपकार्ट के अंदर पॉपअप हो जाती है, आप देख सकते हो क्लेम बायबैक अप टू 27,000। अभी ये मुझे 27,000 दिखा रहा है क्योंकि मेरे ऑलरेडी 9 months हो गए, 9-10 months पिक्सल को लेके। अगर मैं ये 6 to 8 months में करता तो मुझे बायबैक वैल्यू 36,000 मिल जाती थी, लेकिन अभी ऑलरेडी मैंने 8 महीने कंप्लीट हो गए और अभी मैंने शायद 9th या 10th month हो गए पिक्सल को लेके, तो इसलिए मुझे 27,000 दिखा रहा है। उसको क्लिक करते और आप देख सकते हो कि आपको स्ट्रेट अवे 27,000 का डिस्काउंट इधर मिल जाएगा और जो एडिशनल अमाउंट है वो इधर आपको पे करनी है। तो आपको भी ऐसे ही बायबैक वैल्यू को क्लेम करना है, 6 महीने के बाद ऑटोमेटिकली आपके फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन में आ जाएगा कि ये क्लेम 27,000 करके, और फिर
यहाँ जाके आपको फोन को आपको देना है, मेक श्योर कि आपके फोन में कुछ डैमेज ना हो, कोई स्क्रैच ना हो, डिस्प्ले इंटैक्ट हो, और फिर आप ऐसे बायबैक वैल्यू को क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी। अगर हेल्पफुल लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना, और आपका कोई भी डाउट या सुझाव रहेगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून।